बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह और मैं हूँ आपके साथ आपकी मेजबान अनीका निसार। आपके सबको एक बार फिर बाखबर बनाना है और बहुत सारी चीजें बनानी है नाजरीन। तरमीम तो आइन में चलती रहती है, आपको 18वीं तरमीम भी याद होगी, 21वीं भी याद होगी, अब 22वीं तरमीम सामने आई है और वो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन के बारे में बड़े बातें की गई, स्पेशली पीटीआई की जानिब से बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए थे जब 2013 के अंदर इलेक्शन हुए थे और कहा गया था कि धांधली हुई है और इलेक्शन कमीशन मुलव्वस है। उसके बाद जुडिशल कमीशन बना, पूरा प्रोसेस चला, लेकिन अब 22वीं तरमीम के अंदर चंद अहम नुकात हैं जिसके हवाले से चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, जिसके बारे में स्पेशली इलेक्शन कमीशन के अरकान के बारे में जज होना और साथ ही कायम मकाम इलेक्शन कमिश्नर का चीफ जस्टिस ना होने की बात भी सामने आई है। इसके बारे में बात करेंगे, तज्जिया लेंगे इसके हवाले से, लेकिन किससे मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ तशरीफ फरमा है तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, दोनों से जानेंगे। फारूक साहब, 22वीं तरमीम सामने आ गई है, किसी ने भी इसके खिलाफ वोट नहीं दिया, ये एक आप कह सकते हैं पार्लियामेंट की जीत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ये अच्छी बात है कि एक कंसेंसस के साथ नेशनल असेंबली में ये अपना जो बिल है जो पास हो गया है। अभी इसमें सेनेट में जाना है और सेनेट में क्योंकि कल वो कोरम पूरा नहीं था तो लिहाजा वो वहाँ पे डेफर हो गया। अब देखते हैं वहाँ पे कब ये पास होता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 10 जून को ये इलेक्शन कमीशन के जो चार मेंबर्स हैं हर सूबे से ये रिटायर हो रहे हैं और ये तमाम रिटायर्ड जस्टिसेस हैं। अब आपने इंट्रो में तो ठीक कह दिया कि सिर्फ पीटीआई नहीं जनाब, पूरी कौम को बड़ा परेशानी थी कि 2013 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना वो रोल अदा नहीं किया जो कि उनको करना चाहिए था। जुडिशियल कमीशन ने इस बात की तायद की और एक पूरा चैप्टर था 25-30 पेजेस का जो मैसिव इरेगुलरिटीज और जो सारे जो इनके जो इनएफिशिएंसीज हैं 2013 के इलेक्शन में वो सामने आई हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चेंज होने जा रहा है 10 जून को, और जाहिर बात है ये इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स अब बड़ा इंपॉर्टेंट का रोल होगा 2018 के इलेक्शन में, तो लिहाजा इनका जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर यह बहुत अहम है। इंपॉर्टेंट जो बेसिक चेंज आया वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या मेंबर्स हो, ये सिर्फ रिटायर्ड जस्टिसेस नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, बल्कि ये टेक्नोक्रेट्स भी हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट ये रिटायर्ड ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे। अब मुझे जो ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो ये है कि अगर आपने ब्यूरोक्रेट्स को बीच में डाल दिया और आपको और रिटायर्ड ग्रेड 22 और जो पाकिस्तान में हालात हैं ये ब्यूरोक्रेट्स के जिन्होंने ऑलरेडी अपनी पॉलिटिकल अपने जो उनकी जो एफिलिएशन हैं वो सामने आ गई हैं, अब स्ट्रगल ये होगी कि कैसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को लाया जाए जो कि आपके पार्टी के सपोर्टर्स रहे हैं, जो आप जिनको आप नवाजते रहे हैं, जो आपके गलत काम करते रहे हैं इस 5 सालों में या पीपल्स पार्टी के दौर में, ये अब नहीं होना चाहिए। और असूलन क्या है कि देखिए कुछ चीज़ें सामने आनी चाहिए। पहली बात कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट होगा या रिटायर्ड जज भी, कोई सियासी एफिलिएशन उसकी नहीं होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, इनके ऊपर कोई करप्शन केस माजी पे नहीं होना चाहिए, इनमें कोई लोन डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, मतलब इनको भी इसका मतलब ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होना चाहिए। नहीं, कहां से ढूंढेंगे? नहीं जनाब, बिल्कुल लोग मौजूद हैं, सिर्फ ये है कि अगर ये फिर वही मुकमुका हो गया मेंबर्स का, देखे ना अगले 15 दिन में पाकिस्तान में खप पड़ेगी, आप देखेंगे। और पीटीआई को और बाकी पार्टी को नजर रखनी चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये नाम जाएंगे, ठीक है ना जी, और वहां पे पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। ये तमाम चीजें तो सामने आ गई, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट्स वाली बात, पहले हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है, अब अगर ये चीज सामने आ गई तो वो धांधली वाली बात जो इलेक्शन कमीशन के बारे में की जाती है वो कैसे रद्द होगी? देखिए, पहली बात ये है कि 22वीं तरमीम अभी हतमी नहीं है, अभी सेनेट में जाना है और उसके बाद हतमी फैसला होना है। दूसरी बात यह कि इस तरमीम के जरिए साबिक जजों की इजारादारी खत्म हो गई है, ये तासुर भी खत्म हो गया है कि सिर्फ एक रिटायर्ड जज ही मुनसिफाना इलेक्शन करा सकता है। फारूक साहब कहते हैं कि बहुत दयानतदार, ईमानदार, फरिश्ता सीरत लोग जो हैं वो आने चाहिए। बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम से ज़्यादा दयानतदार कौन होगा? और पाकिस्तान की तारीख के जो इंतहाई मुतनाज़ इलेक्शन हुए जिसके अंदर हमने देखा स्याही तक जो है वो ठीक इस्तेमाल नहीं हो सकी, अखबारों के कागज़ जो है वो बैलेट बॉक्सों में निकले। देखिए, बात यह है इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराता है वो बड़ा महदूद सा हिस्सा है इलेक्शन प्रोसेस का। असल बात यह है कि पूरा निज़ाम बदलने की जरूरत है। क्या जमहूरी इलेक्शन का तकाजा है कि पार्टियां अपनी जो है ग्रास रूट लेवल पे अपने आप को मनज़म करें, अवाम से राबते रखें, अपनी जो पार्टियों की सियासी जमातों के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, टिकट जो है वो सही लोगों को मिलने चाहिए,
विरासती पार्टियां नहीं होनी चाहिए, जमहूरी असूलों के खिलाफ है। अगर मामा चाचा भाई भांजा यही इलेक्शन लड़ेंगे, ये इस तरह इलेक्शन एक ही दिन नहीं होने चाहिए। ये जो प्री पोल धांधली, ये जो आजकल नवाज शरीफ साहब फंड्स अनाउंस कर रहे हैं, ये जो अखराजात होते हैं इसके अंदर, ये जो आम शहरी जो अपनी बरादरी के बंदे को वोट दे देता है, ना नजरिया देखता है ना करेक्टर देखता है, ये जो हुकूमतें अपना लायमल जाप्ता अखलाक इम्प्लीमेंट नहीं करती, जब तक ये पूरे निजाम को आप नहीं बदलेंगे तो इलेक्शन पाकिस्तान कराएगा। और मैं एक चीज वादे कर दूं, इन्होंने एज की बात की फखरुद्दीन इब्राहिम साहब की, अब बता रहे 68 ईयर जो है मैक्सिमम एज होगी। लेकिन देखें जो बात हम एक असूल की करना चाह रहे हैं, तनवीर साहब जो आपने चीजें पॉइंट रेज की, वो तो जो कमेटी है इलेक्शन रिफॉर्म वाली, वो तो मेरा ख्याल है इस साल वो अपना काम मुकम्मल कर लेगी, वो चीजें उसमें आ जाएंगी। लेकिन हम ये चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक न्यूट्रल अदारा हो, वहां पर कोई ऐसा मेंबर ना हो जिसकी एफिलिएशन पीपल्स पार्टी के साथ हो, PMLN के साथ हो या PTI के साथ हो, एक तो ये बात, और दूसरा वो लोग हों जो बाकीदार हो, क्लीन रेपुटेशन वाले लोग हों, और जो के अब इसको अपना एक कौमी फ्रीजर समझ के इसको करें कि जनाब हमने इलेक्शन कराने फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, क्योंकि 2013 की चीफ जीत अगर रिपीट होगी 2018 में, मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान के आवाम जो है वो जमहूरी प्रोसेस के तमाम खत्म हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन 2018 तक ये तमाम प्रोसीजर्स का खत्म हो जाएगा, सेनेट के अंदर जाना, वहां से मंजूर होना, उसके बाद तमाम चीजें। देखिए ये तो अगर 10 आपका सवाल, अगर 10 जून से पहले 10 जून को आपके मेंबर चेंज होने हैं, ये कैसे हो सकता है कि सेनेट जो है इसका फैसला ना करे, क्योंकि आपका फिर इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा। तो ये फैसले तो अगले 10-12 दिनों में होने, सारे अरकान होने के बाद भी गैर फाल था या फाल। दुनिया में कोई ऐसी तदबीर नहीं है जिसके जरिए सियासतदानों की बदनीति को ठीक किया जा सके। आप देखिए कि बलदैती इलेक्शन होते हैं और पंजाब और सिंध की असम्बलियाँ नई कानून साजी करती हैं, जिससे वो चाहती हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए हमें ज़्यादा सीटें, मखसूस नशितों पर ज़्यादा लोग हमारे आ जाएँ, और कानूनी तरीके से धांधली करती हैं। अदालत अगर मुदाखलत ना करे, अदालत उनको ना रोके, देखिए जब तक हमारी सियासी जमातें नहीं समझेंगी, मैं एक शहरी हूँ, मैं अपने वोट से ना हुकूमत बदल सकता हूँ ना हुकूमत ला सकता हूँ, मैं वोट मिस्टर ए को डालता हूँ और अगले दिन पता चलता है मिस्टर बी कामयाब हो गया है। और उसके बाद जब मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ धांधली हुई है, तो जो कवानीन है, जो अदालती निजाम है, वो धांधली से जीतने वाले को सपोर्ट करता है। हमेशा धरना याद आता है, क्योंकि धांधली की बड़ी धरने में बात की गई थी और धरने में अंपायर की भी बहुत बात की गई थी कि अंपायर उंगली उठाएगा तो उसके बाद तमाम चीजें चेंज हो जाएंगी, उसके बाद फिर अल्लाह ताला को अंपायर कह दिया कप्तान साहब ने। लेकिन जिस अंपायर की तरफ पहले इशारा था, उस अंपायर के मुदाखलत करने के बारे में तमाम सूरत जो चीजें वो रद्द कर दी गई हैं जनरल असलम बेग की जानिब से। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें फरमाया कि आर्मी किसी भी तरीके से सियासी प्रोसीजर में, सियासी प्रोसेस में और सियासी हुकूमत में इंटरवेंशन नहीं करेगी। इवन पानामा लीक्स को भी उन्होंने जो है वो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी करार दे दिया। तनवीर साहब, ये तो एक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि आर्मी समझती है कि मुदाखलत सही नहीं है, और ये असलम बेग साहब ने जो है चीज़ बता दी। देखिए, इन्होंने असलम बेग साहब ने बहुत अच्छी बात कही। आमतौर पर रिटायर्ड लोग अच्छी बातें करते हैं, जब वो अपनी जॉब से हट जाते हैं तो उनके ख्याल बहुत बेहतर होते हैं। और दूसरी बात है, जनरल बेग साहब, मैं तो इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एक अहले दानिश में इनका शुमार होता है, लेकिन इराक़ के मामले पे इनका तजिया दुरुस्त साबित नहीं हुआ था। मैं हमेशा जमहूरियत की हमायत करता हूँ और मैं हमेशा चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम रहे, फले फूले, लेकिन असलम बेग साहब का तजिया मुझे समझ नहीं आया। इन्होंने जो आर्टिकल लिखा और उसमें कहा कि फ़ौज जो है ये कोई सियासी निज़ाम में मुदाखलत का इरादा नहीं रखती, ये दुरुस्त हो सकती है और होना भी ऐसा चाहिए, और जनरल राहिल शरीफ भी ऐसे ही इशारे दे रहे हैं। लेकिन मुझे जिस बात की समझ नहीं आ रही है कि एक बंदे का नाम है इमरान खान, सही, मौसम उसके खिलाफ है, इस मौसम में तहरीक नहीं चल सकती, पार्लियामेंट उसके काबू में नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब ने मैनेज की हुई है, अदलिया उसके साथ चलने को तैयार नहीं है, कहते हैं कि अदलिया जो है जमहूरियत के हक में लूला लंगड़ा सिस्टम कर रहे हैं, मीडिया जो है वो नून लीग ने मैनेज किया है, ऐसी सूरत में वो सड़कों पर गलियों में निकलने की बात किसके कहने पर कर रहे हैं? क्या क्या ये बात पे किया जाए, वो उनका अपना डिसीजन नहीं होता। आर्मी चीफ जब चाइना जाते हैं, और जब भी कोई अहम वाक्य होता है, तो या चाइना लोग जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, सही, वो वजीर आजम और वजीर खारजा से मिलते हैं, वो दिफाई जो दिफाई हुकाम हैं उनको तो उनसे मुलाकातें करनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि धरने के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई थी, अब उस गुनाह का कफारा करने की तैयारियाँ हो रही हैं। ये जुलाई
अगस्त। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब किसके कहने पे ये जो तहरीक चलाने लगे, किसी के कहने पे चलाना जरूरी है? फारूक साहब वो खुद नहीं चला रहे हो सकते क्या? देखें, पीटीआई एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो बेहतर जानते हैं किस वक्त पे क्या तहरीक चलानी है। पहले उन्होंने इलेक्शन के ऊपर, रिगिंग के ऊपर तहरीक चलाई, अब वो चला रहे हैं ये परामा लीग के ऊपर। अब तनवीर साहब ठीक है, इनकी अपनी एक ओपिनियन है। जनरल असलम बेग साहब ने एक बात सही की है, पाकिस्तान में कोई डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं चाहता। मार्शल लॉ की तो कभी हमने बात ही नहीं की, आज पहली मरतबा मेरे मुंह से ये दो लफ्ज़ निकल रहे हैं क्योंकि अब ये सब्जेक्ट ऐसा आ गया। लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अदलिया, वो बार बार कह रहे हैं कि हमें जो तनवीर साहब कह रहे हैं ना, बिल्कुल सब कहते हैं जमहूरी निज़ाम हो, लेकिन वो कह रहे हैं ये लूटमार वाला निज़ाम नहीं होना चाहिए। मसला सारा ये है, एक चीज। दूसरी बात ये, सब ये चाहते हैं, अवाम, फौज, अदलिया, गवर्नर अच्छी होनी चाहिए, इतसाब का अमल अच्छा होना चाहिए, उसके अलावा पाकिस्तान के जो वसाइल है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना जी। और अगर ऐसा ना हो सके तो कौमी हुकूमत ले आनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा ख्याल है स्ट्रेटजी फौज की, ये सब लोगों की स्ट्रेटजी अच्छी है। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जनाब जमहूरियत चलती जानी चाहिए, लेकिन जमहूरिये ये जो लोग हैं हुक्मरान, ये जब गलत लाइन पे होते हैं, गलत पाथ पे होते हैं, इनको राह रास्त पे लाने के लिए पीछे से प्रेशर रखना चाहिए। पीछे से प्रेशर फौज को क्यों रखना चाहिए? मेरी बात जो बनाया वो अगर आप पीछे से, ओके गुड, अगर आप पीछे से प्रेशर नहीं रखेंगे, अगर पब्लिक प्रेशर नहीं होगा, मीडिया प्रेशर नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगी, इस्तेहकाम नहीं होगा, सरमायाकारी नहीं आएगी, जो तरक्की नहीं हो सकेगी। दो साल में $5 अरब ने कर्जा लिया है, वो अगले दो साल के अंदर $50 अरब का कर्जा लेकर ये कैसा प्रेशर है कि आपने धरने इतनी देर तक रखे, 126 दिन तक, क्या वो प्रेशर मुल्की मफाद में था? क्या उसके मुल्की बिजनेस के ऊपर, सरमायाकारी के ऊपर, तरक्की के ऊपर अच्छे असरात मरतब हुए? वही उस धरने का फायदा ये हुआ कि आज वही 22वीं तरमीम आई है, नया क्राइटेरिया है, इलेक्शन कमीशन के चेयर, चीफ इलेक्शन कमीशन का मेंबर का। इंपॉर्टेंट चीज क्या, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरा ख्याल है ना आवाम चाहेंगे, ना फौज चाहेगी, ना अदलिया, के हुक्मरान पाकिस्तान को उस सूरत हाल पे ले आए। सुनने लिए का ये जुमला, जबकि पाकिस्तान की टोटल इंस्टीट्यूशन फेलियर हो जाए, पाकिस्तान बिल्कुल कलैप्स के दहाने पे चला जाए और सब कहें ये तो फिर अल्लाह की ठीक है। धरने की बात बार बार हो रही है, तो धरने में जो हुकूमत की जानिब से कहा गया वो ये कहा गया कि चीन की तरफ से सरमायाकारी आनी थी वो डिले हो गई, लेकिन चीनी बाशिंदे डेफिनेटली चीन की सरमायाकारी आएगी तो काम भी करेंगे। इधर सीपेक के हवाले से हो, बहुत सारे और मनसूबे हैं जो चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से बन रहे हैं, जिसमें चीनी बाशिंदे यहाँ आके रह रहे हैं। ये सवाल उठाया गया सेनेट में और सेनेटर तलहा महमूद साहब ने सवाल किया कि आखिर क्या तादाद है चीनी बाशिंदों की जो कि पाकिस्तान में रह रही है। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि यह तादाद तमाम जो है वजीर दाखिला को, वजारत दाखिला को पता है, लेकिन ये बताना जरूरी नहीं इसलिए क्योंकि सेंसिटिव इशू है। फारूक साहब डेफिनेटली काम तो बहुत हो रहा है चाइना के हवाले से, इधर चीनी बाशिंदों की तादाद बताना वाकई में सेंसिटिव इशू नहीं? देखिए, अगर आप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की बात करें, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अखबारों में, इंटरनेट के ऊपर और जराए से, तो वो उससे ये पता लगता है, और हम पहले भी फिगर को कोट करते रहे हैं कि 2009 तक जब सीपैक के ये मामला इस तरह नहीं हुए थे, तो तकरीबन कहा जाता था कि 10,000 चाइनीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब ये अब सीपैक में जो मामला जो तेजी आई है और बड़ी तादाद में, इसमें कोई शक नहीं, चाइनीज जो है वो आए हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लेके KKH से लेके राइट साउथ थर के जो कोल फील्ड हैं, जहाँ पे कोल फील्ड डेवलप हो रहा है सिंध में, वहाँ पे काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं। अब एस्टिमेट किया जाता है, बेशक गवर्नमेंट ये ना बताए, आई मुझे मालूम नहीं है किस में बताने में क्या हर्ज है, लेकिन दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है। मेरे अपने एस्टिमेट है कि तकरीबन 15 से 18 हज़ार चाइनीज हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं। यही वजह है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन बनाया गया है, 15,000 फौजी और पैरामिलिट्री फोर्सेज उनको गार्ड करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, सीपैक के लिए मुख्तलिफ तनसीबात जहाँ चाइनीज काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको लाया गया। आप कह रहे 15,000 के करीब कार उनकी सिक्योरिटी के लिए होंगे, मतलब वन मैन फॉर वन मैन, इस तरह की सिचुएशन? नहीं, देखिए बात यह है कि अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं चीनियों के लिए या दूसरे लोगों के लिए, तो आपके ऑपरेशन ज़रबे अज़म में कामयाबी के दावे किधर गए? अगर आप इतने सालों के बाद इतने वसाइल इस्तेमाल करके, इतनी कोशिश करके, उसके बाद भी आप जवाब देने की पोजीशन में नहीं हैं, सिक्योरिटी खदशात बरकरार हैं,
तो फिर हमें अपने देखिये ये हर उस बंदे से पूछना चाहिए जिसकी जितनी जिम्मेदारी बनती है, ये वजीर आजम को से भी सवाल किया जाना चाहिए, ये सिक्योरिटी के इदारों से भी किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब से चीन हमारा दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान के ऊपर उसके एहसानात हैं, हमेशा दोनों मुल्कों ने एक दूसरे से तावन किया, पाकिस्तान की तरक्की में उसका बड़ा रोल है मुस्तकबिल में। लेकिन ये क्या बात है कि जब से चीन आया तो कुछ पुरसरार किस्म की एक्टिविटीज़ क्यों हो रही हैं? अगर पार्लियामेंट को नहीं बताना कि कितने चीनी पाकिस्तान में है तो किसको बताना है, क्या राज इसके अंदर है? हम कहते हैं कि भाई सिर्फ इतना बता दो, अदालत कहती है कि आप के ये जो ऑरेंज ट्रेन मंसूबा चीन के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट क्या है, उनका ये सीक्रेट है, ये हम पब्लिक नहीं कर सकते। भाई चीन के साथ सारे मामला सीक्रेट हैं, ना आप अदालत को बताना चाहते हैं, ना पार्लियामेंट को बताना चाहते हैं, ना आम आदमी को बताना चाहते हैं। ये तरक्की हो रही है या ये बहुत ज्यादा कुछ करने की होती है? इसी तरह से जो टेंडर का सिस्टम है, जो उसके अंदर दूसरी चीजें, देखिए चीन की वजह से चीन के सियासी निजाम को इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए, ह्यूमन फ्रीडम पे खतरा नहीं आनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस जो है इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये जो वेस्टर्न मॉडल था उसके अंदर एटलीस्ट चीजें, ये क्या जुल्म है कि पाकिस्तान के खजाने में $1.5 बिलियन आ जाएं और 20 करोड़ आवाम को पता नहीं कहाँ से आए। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखें, आपने कहा ना वन मैन टू वन चाइनी, उस तरह नहीं है। सीपेक का रूट है गवादर से लेके केकेएच पूरा वाया बलूचिस्तान, वो तमाम और तीनों जो है वेस्टर्न रूट, सेंट्रल रूट, ईस्टर्न रूट, तमाम पे जो है सिक्योरिटी आपने देनी है। तो फौज की वो चाइनीज अहलकारों के लिए तो नहीं ना, बड़ा सूबे के बारे में अनिका शायद फारूक साहब बात करने दे। देखें उन तीनों रूट्स को आपने कवर करना है, उसके लिए पंजाब के अंदर भी, पंजाब में भी एक सिक्योरिटी फोर्स रेस कर रहे हैं जो चाइनीज पंजाब के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो लहदा बात है कि केपी गवर्नमेंट ने कहा कि हवेलिया वाला जो मोटरवे है उस पर हम 200 पुलिस पर आपको नहीं देंगे। फारूक साहब आपके इल्म में है कि सीपैक मंसूबे में रेडियो स्टेशन शामिल है, टीवी शामिल है, सकाफती मंसूबे शामिल है। भाई सीपैक का कौन सा वर्जन है जो काबिले तबार है? एक में सड़क इधर जा रही है, दूसरे में इधर जा रही है, परवेज खटक साहब की इंफॉर्मेशन और है, मालिक साहब को और दी है, एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स पे कौम को इत्मीनान में लीजिए। वो जो बदइत्मीनानी वाले जो दौर था वो खत्म हो गया, अब सबको पता है एग्जैक्टली वेस्टर्न में क्या है, ईस्टर्न कॉरिडोर में क्या है। वो तमाम कंफ्यूजन इकबाल साहब ने भी जाके तमाम चीजें जो है क्लियर करने की कोशिश की गई, कुछ हद तक हुई, कुछ चीजें जो है अभी रहती है वेस्टर्न कॉरिडोर के हवाले से स्पेशली। लेकिन नाज़रीन वेस्टर्न कॉरिडोर बलोचिस्तान और केपीके के हवाले से होगा, और केपीके के बारे में आपको एक और खबर देते हैं कि सवात में नवाज शरीफ किडनी सेंटर बनाया गया। अजीब बात यह है कि नाम जो है नवाज शरीफ साहब का है, पैसा आवाम का है, अवामी किडनी सेंटर होना चाहिए था इससे तो नवाज शरीफ साहब की बजाय। 110 बिस्तर इसमें है, किडनी सेंटर कब बनेगा, कब मुकम्मल होगा, कब काम होना शुरू होगा? तनवीर साहब, हमने बहुत सारे इफ्तिताह देखे, बाबे पाकिस्तान के भी बड़े दफा इफ्तिताह देखे, काम कब शुरू है? कि सवात में जो किडनी हॉस्पिटल लोगों के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से बनाया गया, उसका नाम नवाज शरीफ किडनी हॉस्पिटल रखा गया। मेरा ये ख्याल है कि चूंकि मैं वजीर आजम हूँ इसलिए मैंने अपने नाम पे अस्पताल रखना है, या दूसरी वजह यह है कि केपीके में जब भी केपीके के लोग वहाँ से गुजरें तो उन्हें पता चले कि इमरान खान काम नहीं कर रहा बल्कि नवाज शरीफ ने यह अस्पताल कायम किया था, ये नाम उनकी समातों में पब्लिक ओपिनियन बनाए। देखिए हमने गंगाराम को देखा, हमने गुलाब देवी को देखा, ये लोगों ने अपनी जेब से अस्पताल बनाए और अपना नाम रखे। नवाज शरीफ साहब अपनी जेब से अस्पताल बनाएं और उसका नाम नवाज शरीफ अस्पताल, यानी जुल्म तो ये है कि गर्ल्स कॉलेज बनता है तो उसका नाम जो है नवाज शरीफ गर्ल्स कॉलेज रख दिया जाता है। क्या तो किस चीज़ का? ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, टैक्स मनी से पैसे बनाते हैं अपने वालिद के नाम पे, कैंट पे उस कॉलेज का नाम अपने वालिद पे। असूल ये होना चाहिए कि अगर जो किसी ने प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया जिसमें शौकत खानम हॉस्पिटल है, डोनेशन से, चैरिटी से, तो वो तो उनका हक बनता है कि वो किसी के नाम पे हो, उन्हें अपनी वालदा के नाम रख दिया, उनको डेडिकेट कर दिया। लेकिन मैं, ये बात सही है कि टैक्स पेयर से बनने वाला, आपको लाइफ टाइम में अपने नाम पे आप तख्ती जरूर लगा रहे अपनी इनॉग्रेशन की, लेकिन अपने नाम पे उस बिल्डिंग का पे अपना अपने नाम पे रखना, मेरा ख्याल है ये एक अच्छा एग्जांपल नहीं है। मिसाल के देखें, अगर हमने बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रखा है तो वो नाम जस्टिफाइड है, क्योंकि पाकिस्तान की एक साबिक खातून प्राइम मिनिस्टर जो कि एक बड़ी ट्रेजेडी में उनकी असैसिनेशन हुई, उनकी याद में नाम पे रखा, अच्छी बात है। फारूक साहब, लाहौर में मैं सड़कें बता सकता हूँ करप्ट लोगों जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं करप्शन में, उनके नाम पे सड़कों के नाम रखे गए हैं। जो सहाफी बासर है उसके घर के बाहर वाला पार्क जो है उसके नाम के ऊपर कर दिया।
ना शौकत महमूद साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है कि गुलबर्ग की सड़क उनके नाम पे कर दी जाए। देखिए तारीख में नाम लिखें, लोगों के दिलों में नाम लिखें, ये नहीं मिटते। देखिए मैं आपसे शेयर करता हूं, आप पॉपुलर जी पॉइंट शेयर कर दूं। अमेरिका में क्या होता है, जो उनका साबिक सदर है जिसने बहुत खिदमत की और जिसको लोग याद रखते हैं, जिसमें रोनल्ड रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, जॉन एफ कैनेडी वो न्यूयॉर्क वाले एयरपोर्ट के नाम पे। अब मिसाल के तौर पे डीएचए में मैं हैरान हूँ, एक इंटरचेंज बनता है उस पर लिखा हुआ नवाज शरीफ इंटरचेंज, इंटरचेंज को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। लाहौर के केनाल बैंक पे जो अंडर पासिस हैं, मैं मानता हूँ वहाँ पे कुछ मर्द की अच्छी शख्सियत हैं, अपना दानिश्वर हैं वगैरह, उनके नाम पे रखे गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तनवीर साहब, लेकिन आप मुझे बताइए कि अब्दुल हमीद बिन बादीस रोड लाहौर में कहाँ है, जलालुद्दीन रूमी रोड कहाँ है, फिरोजपुर रोड को जलालुद्दीन रूमी है। भाई बात यह है, जो आपके यहाँ पे आप शोहदा के नाम पे क्यों नहीं सवात नेशनल हीरोज के नाम पे रखे, आप दस्तार ईदी के नाम पे क्यों नहीं रखे? कुछ अच्छा बात कोई और सोसाइटी को बेहतर करने के लिए तब्दील हो जाएगा। नाम एक साबिक शख्स के नाम पे, साबिक हमारे सदर के नाम पे कुछ चीज होनी चाहिए, और वो आसिफ अली जरदारी साहब, ताकि सारी उम्र पाकिस्तानी कौम ये बात याद रखे कि हाँ जी ऐसे भी पाकिस्तान। देखिए सर, मैं खुद कहता हूँ एक चीज उनके नाम पे रखे, एजाजी डिग्रियां भी अपने मनपसंद लोगों को देते हैं, अवार्ड भी मनपसंद लोगों को देते हैं। अब एक अस्पताल रह गए थे, तारीखी अमारात थी, कॉलेजेस वगैरह, ये भी अपने नाम के ऊपर ये करें, इस वो भी हो जाएगा जल्दी। तनवीर साहब फिक्र ना करें, अभी कुछ अर्से में ये चीजें भी सामने आ जाएंगी। तालीमी इदारे हो, अस्पताल हो, सड़कें हो, तमाम हुक्मरानों के नाम पर होगा, हुक्मरानों ने बनाया होगा, उन्हीं के नाम पर चलेगा। अवाम के नाम पर तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अवाम के इस्तेमाल के लिए थोड़ी है, तो हुक्मरानों के इस्तेमाल के लिए चीजें। जब दल करते हैं सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, जब दल करते हैं अस्पताल के अंदर दौरा करने आते बिलावल साहब वो अस्पताल ब्लॉक कर देते, तो जाहिर सी बात है हुक्मरानों का हुक्मरानों के नाम पर ही होगा। अभी हमें जाना है ब्रेक की तरफ, उसके बाद बात करेंगे इमदाद के बारे में, किसने लेनी है, किससे लेनी है, क्या हुआ उसका, आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले इमदाद के बारे में बात की, तो पाकिस्तान को जो अमेरिका की तरफ से इमदाद दी जाती है कोएलिजन सपोर्ट फंड की, भी वो भी आजकल खटाई में पड़ी हुई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि इसके साथ और शरायत को जो है वो जोड़ दिया जाए, और शरायत क्या है, हकानी नेटवर्क के हवाले से कार्रवाई करे वो, शकील आफरीदी साहब के बारे में भी जो बातें की गई। और एक अजीब बात और भी है कि शकील आफरीदी को आलमी हीरो करार दे दिया गया है। फारूक साहब, ये कैसा हीरो है जिसकी वजह से पोलियो जैसी अजीब व गरीब किस्म की बीमारी जो पाकिस्तान में पहले भी थी और दुनिया के अंदर खत्म हो गई, वो फिर फैल गई, ये कैसा आलमी है? पहले तो क्विकली मैं ये कहूंगा कि जिसको वो इंटरनेशनल हीरो कह रहे हैं डॉक्टर शकील आफरीदी को, वो हमारा एक कौमी ट्रेटर, कौमी गद्दार है। तो वो तो हमने उनको बड़ा क्लियरली बता दिया है कि आप भूल जाएं कि हम आपके प्रेशर में आके आप डॉक्टर शकील आफरीदी को हम जो है आपको हैंड ओवर करेंगे। वो रेमंड डेविस वाले दिन मेरा ख्याल है ख़त्म हो गए, एक तो ये बात। दूसरा ये कि आप ये देखें कि हमने सी पैक पे जो इतनी हमारा प्रोग्रेस हो रहा है चाइना के साथ, उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम ने हमने उनको क्लियरली बता दिया है कि आप जो मर्जी कर लें, हम इस पे आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। ठीक है, इस पे उनको हुई है बड़ी तकलीफ। वो ठीक है, वो ओबामा जो है एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान के हमारे लिए बहुत अहम है, हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो ख़राब नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान को इंगेज रखना चाहते हैं। ठीक है ना जी, लेकिन जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका तो जो अपना स्टैंड है वो तो सामने आ गया है, और बड़ा क्लियरली लग रहा है कि इंडियन लॉबी जो है बड़ी कामयाब हुई है। पाकिस्तान की लॉबी वहां पे उसने अब तक काम नहीं किया, डिलीवर नहीं किया। पाकिस्तान की लॉबी है भी या नहीं तनवीर साहब, हम तो ढूंढते रह जाते हैं पाकिस्तान की लॉबी है किधर। सर मैं तो इस बात पर परेशान हूँ कि देखिए आइसोलेशन के अंदर हम नहीं रह सकते, हमें आलमी बरादरी के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। हम पैसे भी मांगते हैं और हम अपनी शरायत भी नाफिज करना चाहते हैं। क्या बुराई है इस बात में अगर अमेरिका ये कहे कि जो साजो सामान हम पाकिस्तान को दे रहे हैं ये अकलीती ग्रोहों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए कि ह्यूमन राइट्स के इदारे जो हैं ये तहफ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं, कई खिलाफ वर्जियाँ होती रही हैं, माजी के अंदर ऐसे वाक़ात रिपोर्ट होते रहे हैं मीडिया के अंदर। देखिए हकानी नेटवर्क हो या दहशतगर्दी के जो दूसरे कालेदम तंजीमें हों,
इनके खिलाफ कार्रवाई करना पाकिस्तान के अपने मफाद में है, पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को डैमेज किया है उसको अमेरिकी फरमाइश पे ही नहीं, हमारे अपने इंसाफ का, हमारे मुफाद का तकाजा कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। शकील अफरीदी की बात, शकील अफरीदी की बात इन्होंने ठीक कही है कि वो उसने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया और उसको हम लोग जो है हीरो करार दे सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर खुल के बात हो रही है, इन्होंने कहा है कि जो हथियार इक्विपमेंट हम आपको देंगे वो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम कौन सी रियासत है, कौन सी माइनॉरिटी ग्रुप है पाकिस्तान में। क्या क्रिश्चियन के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्या हम सिखों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्या हम अपने हजारों भाइयों के खिलाफ कर रहे हैं, हम तो क्या रियासत के खिलाफ कार्रवाई नहीं कहना चाह रहे कि भारत की तरफ ना इस्तेमाल किए जाए। नहीं वो तो कहला था पॉइंट, वो तो एसोसिएशन के केस में उन्होंने यही कहा था, बेबुनियाद किस्म के इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी इस वक्त ये है एक्चुअली जो है ना, अमेरिकन एक बात समझ नहीं रहे हैं, वो दे नीड पाकिस्तान मोर देन एनी कंट्री इन दिस रीजन, ये हम उनकी बहुत बड़ी जरूरत है। अगर वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को इस तरह आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे या पाकिस्तान को इतना आर्म ट्विस्टिंग करेंगे तो फिर पाकिस्तान के पास रिएक्शन है, हम भी रिएक्ट करेंगे। मान रहे हो आप अमेरिकियों की बातें, अमेरिकियों की पाबंदियां बिल्कुल ना मानो और इसकी जरूरत ही नहीं मानने की। आप कहो कि भाई आप अपने अफसुला अपने पास रखो, आप उन्हें 13 अरब डॉलर जो लिए उनका भाई है भैया वापस ले लीजिए, आप कोलिशन स्पोर्ट फंड की अपनी बात ये है किसने यू टर्न लिया था, किसने बगैर कौम को पूछे ये फैसला कर लिया था कि हमने इस जंग में कूदना है। देखिए मामला ये है, अमेरिका गैर मुनसिफाना बातें करता है, पहले भी करता था अब भी कर रहा है, लेकिन उसने अपना इंटरेस्ट देखना है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ हमारा इंटरेस्ट देखने वाले लोग कहाँ हैं। अच्छा मुझे बताइएगा हमारा जो पैसा वॉर ऑन टेररिज्म पे लगा हुआ जो अमेरिका ने देना था वो किधर है, वो तो पूरा वापस। पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये तनवीर साहब आप गलत तासुर ना दें, 13.7 अरब डॉलर आया 2001 से अब तक, ये कल सेनेट में भी उन्होंने बताया, कोलिशन सपोर्ट फंड का, ये वो पैसा जो हमारा एक्चुअली पैसा खर्च हुआ है इस वॉर ऑन टेरर में, वो रीइंबर्स हुआ है। और इसमें भी आधे से ज्यादा ऐसा पैसा है जो कि पाकिस्तान आर्मी ने, क्योंकि बजट के हालात खराब थे, उनका जी आप हमारी तरफ से बजट में ये पैसा डाल दें ताकि रियासत पाकिस्तान को इसका फायदा हो। हाँ जो फौज की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हम आपसे पैसा लेते रहेंगे, इक्विपमेंट की रिपेयर, नया इक्विपमेंट खरीदना। एक तो देखिए माजी में भी हमने अमरीका के को बड़ी बहादुरी के साथ उसको हमने और पेशेंस के साथ हमने अभी, अभी देर किया है। कह रहे हैं कि बराक ओबामा पाकिस्तान का दोस्त है, वो अमेरिकी पार्लियामेंट को कायल कर लेगा कि पाकिस्तान को जो पाबंदियां ना लगे, लेकिन बात ये है कि रूस ये अफगानिस्तान में हमारा रोल क्या हो, भारत के साथ ताल्लुकात कैसे हो, फॉरेन पॉलिसी कैसी हो, हमें सेंसिबल डिसीजन करने हैं। हमें सेंसिबल डिसीजन इसलिए भी करने हैं क्योंकि एक तरफ हम लोगों को नजर आ रहा है अमेरिका भारत के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती की पींगे बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ हम पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हमारी डिप्लोमेसी क्या कर रही है, एक तो सामने की चीजें हैं, एक पीछे बैक चैनल पर क्या चल रहा है ये भी हम लोगों को देखने की जरूरत है। लेकिन एक और चीज चल रही है जो कि अभी बजट से पहले ही चीजें सामने आने लग गई हैं, वो ये कि आइंदा बजट में 288 अरब के जो टैक्सेस हैं उसके बारे में बातें बताई जा रही हैं। ये टैक्सेस लगेंगे ऐसी चीजों के ऊपर जो कि आम आवाम इस्तेमाल करती है जिसमें दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी शामिल है, पहले ही टैक्सेस के तले दबे हुए हैं तनवीर साहब, आम आवाम के ऊपर कर्जा भी लादा हुआ है इन्होंने IMF का, उसके बाद और टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जरूरी चीजों के ऊपर। देखिए और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सिर्फ ये है कि जब आपके खर्चे ज्यादा हो जाएं, आमदन कम हो तो आपको या कर्ज मांगना पड़ता है या आपको टैक्स लगाना पड़ता है। हुकूमत सोच रही है कि 288 अरब के नए टैक्स लगाए जाएं, 157 अरब रुपए के इजाफी इनकम टैक्स होगा, 62 बिलियन रुपीस सेल टैक्स जो है इसमें वो होगा, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, 49 अरब रुपए कस्टम ड्यूटी से इकट्ठे किए जाएंगे और 20 अरब रुपए जो हैं ये इंतजामी उमूर से इकट्ठे किए जाएंगे। इससे एक महंगाई की लहर भी आएगी, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, तवक्को ये है कि सिगरेट जो है इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, खुश्क दूध की कीमतें बढ़ जाएंगी, डेयरी मसनूआत हैं ये महंगी हो जाएंगी, मोबाइल फ़ोन महंगे हो जाएंगे, लेकिन जो हुकूमत थोड़ी सी छूट दे रही है वो हलाल फूड के हवाले से, जो सोलर अपने प्लांट लगाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में या जो ज़रई शोबे में मसनूआत के लिए वेयर हाउसेज बनाए जाते हैं या चावल की फैक्ट्रियों पे, ये चंद एक सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम हुकूमत टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन देने का सोच रही है। देखिए बात ये है जब खसारे का बजट हो
तो आपने कहीं से तो पैसा लेना है। हुकूमत को तो ये कहना चाहिए था कि टैक्स नेट को ब्राइडन करते। हुकूमत जो टैक्स लेती है ये नजर आता कि अवाम की फलाह पे लग रहा है, हुक्मरान खुद टैक्स देते तो अवाम उसको देने में कंफर्टेबल फील करते। ऑफशोर कंपनियां टैक्स इवेजन के लिए ना आती तो फिर और भी बड़ी बात थी। टैक्स बढ़ाना, टैक्स नेट बढ़ाना, ये तो दो अहम चीजें हैं ही है, लेकिन आपके पास जो टैक्स नेट है आप उनमें से कितनों के से टैक्स ले पा रहे हैं? नहीं, वो तो देखे ना, उनके जो टैक्स एमनेस्टी वाली स्कीम थी वो तो फेल हो गई। अब वो कह रहे हैं कि हम ताजरों से दोबारा बात करेंगे कि एक पक्का फिक्स 2% जो है वो उस तरह का रिटेलर्स वाला टैक्स है, इस किस्म की कोई चीज़ लगा दी जाए ताकि एक मिडिल पोजीशन जो है वो सामने आ जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो तनवीर साहब बातें कर रहे हैं ये रवायती बातें हैं। इस दफ़ा एक बजट में बहुत रेवोल्यूशनरी किस्म की चीज़ें जो है सामने आ रही हैं और मैं आपको बता देता हूँ क्या अगले बजट में ये फैसला ये आ रहा है कि आप कोई बजट नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की विजिट अब्रॉड के लिए, ये रेवेन्यू जो है वो खुद देगा या पीएमएलएन खुद देगी। ठीक है, नंबर टू ये है कि कोई पार्लियामेंट ट्रीटमेंट अब्रॉड नहीं होगा एट टैक्स पेयर एक्सपेंस, जिसने ट्रीटमेंट होगी पाकिस्तान में पाकिस्तान की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएं, अगर बाहर जाना है अपनी जेब से आप जो है वो खर्च करके गएंगे। फिर फैसला ये आ रहा है कि जनाब कोई बिजनेस क्लास में ट्रेवल नहीं करेगा पार्लियामेंट, सब इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल करेंगे। फिर फैसला ये आ रहा है बजट में कोई डिफेंस बजट के हवाले से भी फैसला है, प्रेसिडेंट हाउस, गवर्नर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर इनको वन डिश जोन जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है। किन ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं? पाकिस्तान में नहीं होने वाला, यहाँ बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया जाएगा, पूरी फैमिली को ट्रैवल कराया जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी आई डोंट एग्री विद यू, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी लाइफ टाइम में, अल्लाह जानता है कितनी हमारी लाइफ है, लेकिन हमारी लाइफ में आप देखेंगे पाकिस्तान चेंज हो गया, यही लोग होंगे, यही अशराफिया होगी, यही चीजें होगी जो मैं, इस बजट में तो नहीं होने वाला जो आप तमाम चीजें बता रहे हैं। दुआ तो हमारी भी है लेकिन इस बजट में ये चीज होते हुए नजर नहीं आ रही। लेकिन एक चीज होते हुए जरूर नजर आ रही है, जो अशराफिया जिनके बारे में बात की जाती है, पुलिस की भारी नफरी इनके प्रोटोकॉल पे लगाई जाती है। और अजीब बात ये है कि अगर आपको 413 अफराद की सिक्योरिटी का जिम्मा दे दिया जाए तो आप एक शख्स क्या ये काम कर सकेंगे? यकीनन नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से एक पुलिस अहलकार है जिसको लाहौर में 413 अफराद की सिक्योरिटी का जो है जिम्मा दिया गया है, कराची के अंदर तो इससे भी बुरे हालात है। तनवीर साहब, कैसे संभालेगी पुलिस? हम ऐसे पुलिस को ब्लेम करते हैं। बात यह है कि हम समझते थे कि ये जो लाहौर है और जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस है इसमें हालात अच्छे चल रहे होंगे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि 2014 में लाहौर के अंदर जो क्राइम हुए उनकी तादाद थी 48,000 और 2015 में ये बढ़ के 59,000 तक पहुंच गई। और इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे 413 शहरियों की देखभाल के लिए एक पुलिस वाला है, दिल्ली में 198 शहरियों के लिए एक पुलिस वाला है, मुंबई में 294 के लिए एक है, लंदन में 157 अफराद के लिए शहरियों के लिए एक पुलिस वाला मौजूद है, क्वेटा में 225 शहरियों को एक पुलिस वाला देखता है, पेशावर में 267 ये फिगर है। देखिए मैं अगर लाहौर का आपको वाकया बताऊँ कि 930 ऐसी जगह हैं जो अबादत की जगह हैं, इसमें 348 इमामबारगाहें हैं, 550 चर्चेज हैं, 4 गुरुद्वारे हैं, 22 दूसरे हैं, 3 हिंदुओं के टेंपल हैं। इन 930 के लिए 1000 पुलिस वाला है, एक बंदा जो है वो एक जगह पे, मस्जिदें जो हैं वो इसके अलावा हैं। अब ये जो पुलिस की नफरी है, पूरे लाहौर को 27,000 पुलिस वाले ने संभाला है, वो कहते हैं कि इसको डबल करने की जरूरत है। इस मरतबा कुछ 97 अरब रुपया, मुझे ठीक से याद नहीं वो फिगर क्या है, इतने पैसे बजट में पुलिस मांग रही है। तो इतने पैसे लगाने के बाद बावजूद भी रिजल्ट ये है कि छोटू गैंग के लिए जब ऑपरेशन करना था तो पुलिस वाले जो है वो कश्तियों में बैठने से कतरा रहे थे कि हमने ये नहीं करना है। अच्छा, तो या तो पुलिस की नफरी डबल कर लें या फिर प्रोटोकॉल से हटा के अवाम की सिक्योरिटी के लिए लगा लें। जरा कराची की सूरत हाल पे भी नजर डाल लेते हैं फारूक साहब, वहाँ 30-35 हज़ार के करीब पुलिस नफरी और 2 करोड़ आबादी है, अब सिक्योरिटी के हाल वहाँ भी इसी तरह के होंगे डेफिनेटली? देखिए उसकी वजह यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 8 साल में जो एक ही पार्टी के पास है, पीपल्स पार्टी, उनकी गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने तवज्जो दी है किस तरह के घोष्ट पुलिसमैन हजारों की तादाद में, अब उन सब लोगों को निकाला जा रहा है कि जनाब ऑन पेपर पुलिसमैन भर्ती क्यों हुए, ऑन ग्राउंड पुलिसमैन है नहीं है। तो वहां तो उल्टे मामला था ना, वो तो कोई और एक दुनिया है जो वहां पे आबाद है, ये नॉर्मल हालात नहीं है सिंध के अंदर, कराची के अंदर। एक तो अब वो कह रहे हैं कि जी हम कोई 2000 कोई रिटायर्ड फौजी जो है उनको रिक्रूट करेंगे क्योंकि हमने वो चाइनीज को भी प्रोटेक्शन देनी है, वहां पर भी हमारे पास कमी है। और जारी बात है लॉ एंड ऑर्डर के बड़े इशूज हैं, लेकिन मैं लाहौर पर आपको वापस लाना चाहता हूँ। देखें अगर यहाँ पे पुलिस का रेशियो है 1:4, 413 शहरियों के वाले से, तो 2000 प्लस पुलिसमैन तो आपके डिप्लॉयड हैं राइवेंट पे सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए,
प्लस जो बाकी प्रोटोकॉल वाले एलीट फोर्स ज्यादातर उधर चली गई है। अच्छा, अभी लेटेस्ट डॉल्फिन फोर्स आई है, मैं तो बहुत खुश हुआ था डीएचए में, लाहौर में भी डॉल्फिन फोर्स नजर आ, लेकिन एक हफ्ता पहले क्या हुआ है कि जनाब एक शख्स को, यंग आदमी को, राइट वाई ब्लॉक के एरिया में, मेन हार्ट ऑफ डीएचए में, दिन दहाड़े 1:30 बजे वो मनी चेंज वाली जगह से निकलता मनी चेंजर, उसको आके वो मार देते वहां पे, तो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये डीएचए के ये भी हालात है, और इतनी सारी फोर्सेस अनाउंस करने की क्या जरूरत है, पुलिस को ही करनी अपना लीड फोर्स है, कोई काउंटर टेररिज्म है, चलो वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद आपका एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स अलहदा कोई रेज हो रही है, चाइनीज के लिए फोर्स अलहदा रेज हो रही है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपनी है, तो डॉल्फिन अभी लेकर तो फौजों की फौज बना देनी है, लेकिन सिक्योरिटी कब आएगी। 413 अफराद, एक पुलिस वाला, लाहौर का ये हाल है, कराची का इससे भी अबतर हाल है, और यही चीजें चल रही हैं हम लोगों के यहाँ, जब सिक्योरिटी के खदशात ऑलरेडी हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में बात करें, पाकिस्तान की सूरत हाल ये है, इकोनॉमिक सूरत हाल भी खराब है, कर्जा लेते हैं हम, लेकिन एक इंडिया में भिखारी है जो कर्जा देता है, ऐसा भिखारी जो भीख मांगते मांगते इतना अमीर हो गया कि अब वो कर्जा देने लग गया। फारूक साहब, ये भी हालात जी, नाम है इसका पप्पू कुमार, मैंने भी ये पढ़ा तो मैं कहा ये बड़ा कोई यूनिक किस्म का भिखारी है, मैं कहता हूँ भिखारियों को रोल मॉडल इसको होना चाहिए। ये जनाब पटना रेलवे स्टेशन पे 7 साल वो भिखारी वाला काम करता रहा, ठीक है, और इतना पैसा कमाया कि उसकी अपनी जायदादें हैं। वैसे तो इस तरह के पाकिस्तान में भी बता दूं, बड़े बड़े ऐसे केसेस सामने आए कि जो भिखारियों के जब पता लगा तो एक था जिसका कंटेनर जो है उसमें पैसा ही पैसा भरा हुआ था, ये आज से कोई 4-5 साल पहले की खबर है। बहरहाल ये शख्स अब इतना रिच हो गया कि ये लोगों को कर्जे देता है, लोगों को पैसे देता है, और मतलब बड़े दिल वाला आदमी, बड़े दिल वाला, अच्छा खासा सूद लेता है, कौन सा अच्छा, बड़ा दिल है, चले सूद भी लेता है, लेकिन मैं सोच रहा था इसको मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में इसकी एनालॉजी या कंपैरिजन क्या बनता है, तो मेरे दिल में यह है कि वो तो एक अकेला भिखारी है, यहाँ तो पूरी कौम भिखारी होगी, हमें हमारा तो माइंडसेट भिखारियों वाले बना दिए गए कि जनाब ये न्यूक्लियर पावर नेशन है, 20 करोड़ की आवाम है, लेकिन तमाम 20 करोड़ को हमें इन हुक्मरानों ने भिखारी बना दिया, हम कशकोल, एक माइंडसेट चेंज हो गया। अब पाकिस्तानी इस बात को मानता कि हाँ ये मुल्क जो है ये बना ही था इसलिए कि हमने कशकोल अपने हाथ में, वैसे हमने कशकोल पकड़ा है, कशकोल इस शख्स ने भी पकड़ा हुआ, तनवीर साहब इसी से सीख लें कि पैसे को डबल कैसे करना है या ज्यादा कैसे करना है, पाकिस्तान इसी से थोड़ा लेसन लर्न। ये तो बेचारा बाहर भिखारी है लेकिन 4 बैंक अकाउंट है, 5 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ है, 1.25 करोड़ की जायदाद है, बहुत से बिजनेसमैनों को ये सूद पे कर्जे फराहम करता है, पता नहीं ये भिखारी है या वर्ल्ड बैंक है। लेकिन बात ये है कि मैं जो हमारे भिखारी हैं, तरक्की पसंद मुल्कों में सारे भिखारी ऐसे होते हैं, मैं एक भिखारी को जानता हूँ जो अपना कशकोल लेके बैंकों के पास जाता है, उससे कर्जे लेता है, फिर कर्जे माफ कराता है, फिर ऑफशोर कंपनियां बनाता है, ये और उसके बाद जहाज भी खरीदते हैं, ये ऐसे ऐसे भिखारी हैं। और जो मजे की बात इसमें, ऑफशोर कंपनी के खिलाफ काम करने वाली नहीं, देखिए पॉलिटिकल पार्टी में तो नहीं है इस पप्पू कुमार को पुलिस ने कहा कि तुम स्टेशन खाली करो, उसने कहा मैं नहीं करूंगा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अच्छा, हम तरक्की पजीर मुल्क भी इसी तरह के भिखारी हैं, हम वेस्ट को कहते हैं कि हमें पैसे दें, ग्रांट दें, मदद करें, लेकिन आप हमारी बातें भी माने, हम अपनी शरायत पे आपसे कर्जा लेंगे। अगर आपके हुक्मरानों ने आपको भिखारी बना दिया और खुद उन्होंने भीख मांगी कशकोल लेके पूरी दुनिया में, तो चले अगर वो जो उन्होंने भीख मांगी है, वो जो पैसा है, कम से कम वो मेरे आप तक पहुंच जाए, गरीब आदमी तक पहुंच जाए, ठीक है ना जी, फिर भी मैं कहूँगा चलो यार माफ कर दो इनको, इन्होंने कम से कम आम आदमी तक तो वो पैसा पहुंच गया, जेब में डालेंगे। मांगने का जो प्रोफेशन है इसको रोकना चाहिए, और खासतौर पर ये देखना, पाकिस्तान में भी कितने ऐसे भिखारी हैं जो कि इस तरह से भीख लेते हैं और अच्छे खासे अमीर हैं, लेकिन दिल के अमीर नहीं है। क्या हमारे हुक्मरान, हमारी आवाम भिखारी तो नहीं बनती जा रही, हमारा माइंडसेट ऐसा तो नहीं हो गया कि हम लोग भी यही समझते हैं कि 1 लाख रुपए का कर्जा हर शख्स के ऊपर है तो कुछ नहीं होता, आगे बढ़ने दें, हमें इस बात बारे में भी सोचना पड़ेगा। हमारे आज के शो से इतना ही, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक और ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रही है। अल्लाह हाफिज़।